हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर 1000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इजराइल में जंग के बीच 25 साल की इजरायली महिला सैनिक की जमकर चर्चा हो रही है। 25 साल की इनबार लिबरमैन का पूरा इजराइल तारीफ करते नहीं थक रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इनबार लिबरमैन ने कुछ लोगों के साथ मिलकर न सिर्फ अपने समुदाय को हमास के हमले से बचाया बल्कि हमास के 2 दर्जन से भी ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। लिबरमैन की इस बहादुरी से इजराइल की जनता की नजरों में वो नायक बनकर उभरी हैं। खबरों के अनुसार इनबार लिबरमैन गाजा पट्टी के कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित एक किबुत्स समुदाय नीर एम के सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर हैं। 7 अक्टूबर को जैसे ही हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया तो लिबरमैन ने धमाकों की आवाजें सुनी। धमाकों की आवाज सुनते ही वो अलर्ट हो गई और तुरंत उन्होंने अपनी 12 लोगों की सुरक्षा टीम के साथ मोर्चा संभाल लिया। लिबरमैन ने गजब की बहादुरी और सूझबूझ दिखाते हुए रणनीतिक रूप से अहम मोर्चों पर अपने साथियों को तैनात किया और जैसे ही हमास के आतंकियों ने किबुत्स नीर एम पर हमला किया तो लिबरमैन और उनकी टीम ने 4 घंटों तक आतंकियों का डटकर मुकाबला किया और 2 दर्जन से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया। जहां आतंकियों ने नीर एम के आसपास किबुत्स या कहें कि सामुदायिक गांवों में नरसंहार किया और सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा, वहीं नीर एम में आतंकी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। इजराइल के सोशल मीडिया पर भी इन बार लिबरमैन की बहादुरी की चर्चा हो रही है और लोग मांग कर रहे हैं कि इजराइल की सरकार भी लिबरमैन को सम्मानित करे। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।